हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 24th ऑफ दिसंबर 2020। तो 24 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जिसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल या ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना है, दे कैन ज्वाइन अस फ्रॉम टेम्स IAS। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब में हमारा जो हैंडल है उसका नाम है टेम्स IAS। जो टेलीग्राम में हमारा है वो है टेम्स UPSC। तो टेम्स UPSC अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम में जाकर के तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाकर के टेम्स IAS डालोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सो दोज़ हू वांट टू ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहले आज के सवाल देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली Which of the following countries incumbent head of the government have been awarded Legion of Merit recently? तो Legion of Merit incumbent किस government के heads को दिया गया है? Options are one India, second Australia, third is Japan। आपको बताना इनमें से कौन कौन से countries के incumbent heads को दिया गया है, one and two only, two and three only, one and three only, या all of the above। Now think very carefully about this questions friend, क्योंकि जो question है उस पर एक word important रहता है। ये एक question important क्यों है, क्योंकि इससे आपको सीख मिलती है कि जब question आप पढ़ें तो एक एक word पढ़ें। अब इस question में एक word है incumbent, मतलब presently वो कौन है, तो इसमें जापान जो है वो हट जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखोगे जस्ट लीजन ऑफ मेरिट के ऊपर ध्यान दोगे तो आप तीनों ऑल ऑफ दी अबव लगा दोगे, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इनकम्बेंट वर्ड पे ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिसमें जापान हट जाता है, क्योंकि जापान में आपको पता है कि शिंजो अबे हट चुके हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वन एंड टू ओनली, तो वन एंड टू विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर के द्वारा इनमें से कौन कौन से इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल सोलार अलायंस, सेकंड इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स में फाउंडिंग मेंबर के रूप में इंडिया भी रहा है, तो आपको बताना है। आंसर ऑप्शंस आर वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। द आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली आप जब पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो आप सबको पता ही है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, दोनों में ही इंडिया फाउंडिंग मेंबर के रूप में रहा है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप ये जो बाकी के दो हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, के बारे में थोड़ा लिख करके दो चार लाइनें मुझे जरूर बताइए कि अब इसका फॉर्मेशन हुआ, बेसिक एम क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द पाइप्ड नेचुरल गैस। तो पाइप्ड नेचुरल गैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? ऑप्शन आर प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन या मीथेन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी मीथेन। पाइप्ड नेचुरल गैस का जो मेन है वो डी मीथेन, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम द क्वेश्चन। आज का थॉट ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूँ। जो थॉट ऑफ द डे मैंने लिया है आज वो है प्लेटो का, है ना। प्लेटो का एक कोट है, फॉर अ मैन टू कॉन्कर हिमसेल्फ इज द फर्स्ट एंड द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द विक्ट्रीज। एक व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी जीत होती है वो उसकी स्वतः पर जीत होती है, जो खुद पे जीत करता है, दैट इज द फर्स्ट एंड द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द विक्ट्रीज, दिस इज व्हाट प्लेटो हैज सेड। अब देखो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्कर योर सेल्फ, आपको कॉन्कर करना है खुद को। क्या, अब देखो ये तो सब बोल देते हैं कि भाई खुद को जीतो, पर क्या जीतो? खुद को जीतो का मतलब देखो, अगर मैं प्लेटो की ही भाषा आता हूँ तो प्लेटो ने बोला है कि बॉडी में तीन पार्ट है। इसको आप लिख भी सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल चीज़ है। उन्होंने बोला बॉडी तीन पार्ट से बनी है। पहला होता है रेशनल, रेशन वाला पार्ट, सेकेंड होता है स्पिर, एंड थर्ड होता है आपका डिजायर वाला पार्ट। ओके, तो प्लेटो कहता है कि रेशन शुड बी सुप्रीम एंड दैट शुड डिक्टेट द टर्म्स टू डिजायर एंड टू योर स्पिरिट। ना ही आपके स्पिरिट हावी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड हो जाओगे तो यू विल बिकम लाइक अ लॉयन, यू विल बिकम लाइक एन एनिमल। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्पिरिटेड व्यक्ति होते हैं दे आर एक्चुअली द टायरेंट्स, एक्चुअली द टायरेंट्स आर स्पिरिटेड। बहुत ज़्यादा जो डिजायरस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिजायर वाले व्यक्ति होते हैं, दे बिकम द ओलिगार्क्स, वो ओलिगार्क्स बन जाते हैं और फिर वो पैसे और ये सब चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, डिजायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बट जो व्यक्ति रेशन से चलता है, जो व्यक्ति दिमाग से चलता है, जो व्यक्ति अपने आर्ग्यूमेंट से चलता है, या उसे वो ही बिकम्स द फिलोसोफर। तो ऐसा व्यक्ति आप बनो हु इज डिक्टेटेड बाय रेशनल, नॉट बाय द स्पिरिट नॉर बाय द
डिजायर। तो आपको कंट्रोल रखना है सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी के अंदर जो डिजायर है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है, हर चीज के ऊपर वो आपका कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको डिक्टेट करने लगे। सो दिस इज व्हाट प्लेटो हैज सेड इन दिस आर्टिकल। आपने आपको जो मैंने बताया वो प्लेटो के बारे में, वो आप कोट भी कर सकते हैं कहीं पे भी। क्या आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली फ्रॉम हिज बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक में ही इसने सारी चीजों का जिक्र किया है। लेट स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स। पहले कुछ न्यूज देख लेते हैं जो वेबसाइट्स और यहाँ से मैंने लिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंक्ड $500 million लोन पैक्ट विद वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के साथ हमने $500 million का एक लोन पैक्ट किया है फॉर द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। देश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमने $500 million का पैक्ट किया है, $500 million का पैक्ट किया है, ठीक है ना। These green corridors will be developed in Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. तो ये आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। एंड फॉर दैट मैटर यूएस के साथ हमने वर्ल्ड बैंक के साथ $500 million का एक पैक्ट भी किया है, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज है वो है किला युया वॉल्केनो के रिगार्डिंग। तो इसकी स्पेलिंग देख लेना, किला युया वॉल्केनो, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली आप बता भी सकते हो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं जानता। तो किला युया वॉल्केनो जो है दैट इज़ इन हवाई, इट इज़ अ बिग हवाइयन एक वॉल्केनो है जिसने कि रिसेंटली इरप्ट किया है। ओके, इसका मैं लिख देता हूँ किला युया, जो भी है आप जिसको जो भी पढ़ते हो, किला युया, एंड दिस इज इन हवाई आइलैंड्स। तो हवाई आइलैंड्स कहाँ पर है, कौन से बताएं आप कि कौन से ओशन में है हवाई आइलैंड्स, कहाँ पे आते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज़ इसमें याद है कि जो माउंट किलाउया है इट इज़ द सेकेंड यंगेस्ट वॉल्केनो ऑफ द हवाईयन हॉटस्पॉट। तो हवाईयन हॉटस्पॉट का सेकेंड यंगेस्ट वॉल्केनो है ये, एंड हवाईयन हॉटस्पॉट जो है बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। सो दिस किलाउया वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड रिसेंटली देयर, ठीक है ना। तीसरा है गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू किया है एडवाइजरी ऑन अ फंगल इन्फेक्शन। अब एक फंगल इन्फेक्शन जो है गुजरात में जो परेशान कर रहा है उसका नाम है म्यूकोर माइकोसिस। याद रखिएगा, रिमेंबर दिस, म्यूकोर माइकोसिस। नाउ दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट इज प्रिवेलेंट इन नाउ गुजरात में, इसके रिगार्डिंग कुछ बोला गया है। और ये वो कहा जा रहा है बेसिकली कि जो ये इस पर मतलब मॉर्टेलिटी रेट है वो 50% का है, मतलब कि अगर दो लोग को हो रही तो एक व्यक्ति की जान जा रही है, तो 50% का मॉर्टेलिटी रेट है। एंड इट कम्प्रोमाइजेज द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी, जैसे एड्स में होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करता है आपका इम्यून सिस्टम, वैसा ही म्यूकोर माइकोसिस में भी हो रहा है। नाउ द फोर्थ न्यूज फ्रॉम दिस पार्ट इज द सेहत स्कीम। सेहत स्कीम कौन से स्टेट के लिए आई है, तो सेहत स्कीम इज बेसिकली फॉर योर जम्मू एंड कश्मीर, ओके, फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए सेहत स्कीम लाई गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। सेहत का मतलब है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। याद रखिएगा, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन का मतलब क्या होता है, टेली मेडिसिन का मतलब होता है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियोज के माध्यम से डॉक्टर की हेल्प आपको मिल जाए, जो बाहर के दिल्ली के डॉक्टर हैं उनके साथ आपको टेक्निकल असिस्टेंट मिल जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है टेली मेडिसिन के अंदर आती है। तो सेहत प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन, दिस स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू ₹5 lakhs, 5 lakh तक का जितना भी उसमें खर्चा आएगा। द स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के इनहेबिटेंट्स के लिए फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट होगा फॉर अप टू ₹5 lakh, तो 5 lakh तक का होगा। तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, केयर्न एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि इंडिया हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू रिटर्न $1.4 billion टू केयर्न एनर्जी PLC ऑफ द UK। UK की कंपनी है केयर्न एनर्जी। और हुआ क्या था कि केयर्न एनर्जी ने 2006 में कोई मर्जर किया था, देखो केयर्न एनर्जी ग्रुप ने कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया था 2006 में, ठीक है ना। आप 2006 में किया तो 2014 में इनकम टैक्स की आँख खुली, उसने बोला भैया ये कैसे कर दिया आपने, आप पैसा दो। तो फिर केयर्न एनर्जी ने बोला कि हम नहीं देंगे, तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट सब ने बोला कि आप 10,247 करोड़ रुपए दो। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि IT डिपार्टमेंट ने क्या किया, दे स्टार्टेड सेलिंग द केयर्न शेयर्स।
केयर्न के शेयर बेचना शुरू कर दिया टू रिकवर द टैक्स ड्यूज। अब जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ट्रिब्यूनल बना था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, उसके जो ये तीन मेंबर्स थे, उन्होंने ये बोला कि जो भी आपने उसके शेयर बेच करके पैसा लिया है, यू हैव टू रिटर्न दैट मनी बैक, है ना, $1.4 billion का है। अब इंडिया ने कहा है कि हम और रेमेडी देखते हैं क्या कर सकते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है कैबिनेट नॉड फॉर 100% FDI इन DTH सर्विस। तो DTH सर्विस में अभी तक जो FDI अलाउड है वो 49% का है। तो यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि दे विल अलाउ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI इन द DTH सर्विसेज, एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइसेंस पीरियड विल बी फ्रॉम 10 years टू 20 years एट अ रिड्यूस लाइसेंस फी। तो लाइसेंस फी को कम कर देंगे और लाइसेंस का टाइम पीरियड जो है वो 10 साल से बढ़ा करके 20 साल का एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, एंड 100% FDI विल बी अलाउड इन दिस DTH सेक्टर। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह डिसीजन लिया है, उन्होंने ऐसा बताया। तो अभी तक जो अलाउड था वो 49% था, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज अनदर न्यूज। आगे मूव करते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट गिव्स गो अहेड फॉर जलीकट्टू। तो जलीकट्टू आप सबको पता है कि जो बुल टेमिंग का वहाँ पे होता है तमिलनाडु में, दैट इज़ देयर, एंड उसके लिए गो हेड कर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। पोंगल सीजन आने वाला है, आप सबको पता है जो वहाँ का हार्वेस्ट सीजन है बेसिकली पोंगल होता है एंड तमिलनाडु रीजन में, है ना। ये कहाँ के होते हैं, ये ओणम, ओणम कहाँ का होता है, बीहू कहाँ का होता है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और ये सारे कहाँ के होते हैं और कहाँ के क्या होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो पहले मैं न्यूज़ वाला पार्ट आपको बता देता हूँ, ये दो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे, बट पहले न्यूज़ वाले पार्ट निपटा देते हैं अपन। बी वेयर ऑफ इलीगल डिजिटल लेंडिंग एप्स, RBI ने कहा है जो इलीगल डिजिटल लेंडिंग ऐप्स है उनसे बच के रहिए ना। मैं ये चीज़ आपको भी बता देता हूँ एक बार, ये देखो क्या होता है, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन पार करके आए हैं, आपकी बहुत नीड्स भी होंगी, और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी अनएम्प्लॉयड होंगे और थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत होगी। और कई बार क्या होता है, हम लोग ऐप्स डाउनलोड करते रहते हैं, कुछ पता चलता रहता है एड्स के थ्रू, और हम फिर वो ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। अब ऐसे ऐप्स भी आ रहे हैं जो बहुत ईजिली आपको लोन लैंड कर देते हैं कि भाई 10,000 रुपये लेना है तो आप तुरंत अभी बस यस करो, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे लोन के रूप में। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हिडन टर्म्स रहते हैं, बहुत सारे हिडन कंडीशंस रहती हैं जो फिर आपको फंसा देती हैं। कई केस जगहों पर ऐसा केस देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा उन्होंने आपको फिर परेशान कर दिया, हैरेस कर दिया कि पीपल हैव कमिटेड सुसाइड ऑल्सो बाय टेकिंग जस्ट लोन ऑफ 10,000 और 15,000। तो यही चीज़ यहाँ पे RBI ने कहा है कि भाई आप लोग इस तरीके के लोन जो इस तरीके के अनऑथराइज्ड ऐप्स हैं उनसे लेना बंद करें और इस तरीके की चीज़ें ना करें। सो दैट इज़ अ गुड लर्निंग फॉर अस ऑल्सो, इस तरीके के ऐप से बच के रहना, ठीक है ना। आई रिकॉल अ इंसिडेंट व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग, वन ऑफ माई ड्राइवर्स सेड टू मी, एक ने मुझसे यही कहा कि सर ऐसा ऐसा हो चुका है, क्या अपन कोई काम कर सकते हैं। देन आई मतलब फिर अपन थोड़ा फिर जो साइबर सेल है इन सब चीज़ों से कॉन्टैक्ट करके हमने देखा फिर क्या किया, लेकिन ही वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दैट, ही जस्ट टुक अ लोन ऑफ 2,000 रुपीज़ एंड उसके बाद उसको जो चुकाना पड़ रहा था वो लगभग 18,000 रुपये थे जस्ट फ्रॉम दैट इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो अब वो परेशान था कि 2,000 लिया था मैंने और 3 महीने में 18,000 मुझसे मांग रहे हैं, कैसे अपन देंगे। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट दीज थिंग्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है, सो यू कैन मूव विद मी। कैबिनेट अप्रूव्स द मर्जर ऑफ 4 फिल्म एंड मीडिया यूनिट्स। अब फिल्म एंड मीडिया यूनिट्स 4 का मर्जर किया जाना कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। कौन कौन सी 4 चीज़ों का, द फिल्म डिवीजन, द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म, द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, एंड एक ऑटोनॉमस बॉडी है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इनका मर्जर करने की बात की जा रही है। अब सब एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। जो फिल्म डिवीज़न है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिल्म डिवीज़न वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। जो फिल्म डिवीज़न था, लिखते जाओ इसको कि फिल्म डिवीज़न जो है वो 1948 में बना, एंड इट इज़ ओल्डेस्ट ऑफ द 4 यूनिट्स, इन चारों यूनिट्स में सबसे पुराना यही है फिल्म डिवीज़न। It was created primarily to produce documentaries and news magazines as publicity for government programs and to keep a cinematic record of Indian historical history. Okay, तो Indian history का record रखना and cinematic record of Indian history को रखना। देन इसके अलावा ऐसा क्या था, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्रीज एंड न्यूज़ मैगजीन्स, डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज़ मैगजीन्स बनाता था बेसिकली ये, फॉर शोकेसिंग द गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को शोकेस करने के लिए। इसको हम बोलते हैं फिल्म डिवीज़न। फिल्म डिवीज़न 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। दूसरा है द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया,
एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में। क्या होता है देखो, अभी बिल्कुल एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो प्रिलिम्स से पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए कि इन चारों को आपको इनके फॉर्मेशन ईयर्स के बेसिस में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाएगा कि आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो कि इनमें से कब कौन सा बना, कब बाद में बना, कब। तो इसमें ईयर दे दिया, न्यूज़ में भी दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा। तो फिल्म डिवीज़न 1948, अब नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1964, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्वायरिंग एंड प्रिजर्विंग द इंडियन सिनेमैटिक हेरिटेज। फिर इसके अलावा जो तीसरा है द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, वो 1973 में बना। 1948 में फिल्म डिवीज़न, 1964 में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड 1973 में डायरेक्टरेट ऑफ टू प्रमोट इंडियन फिल्म्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो इंडियन फिल्म्स को प्रमोट करना, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, ये 1973 में बना, ठीक है ना। अब लास्ट है आपका चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, लेकिन ये पहले बना था 1955 में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1955 में बना था, एंड इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन एंड यंगर पीपल वैल्यू बेस्ड इंटरटेनमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ फिल्म्स। तो फिल्म्स के माध्यम से बच्चों को वैल्यू बेस्ड इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, यंग बच्चों को प्रोवाइड करना, 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनी थी। तो ये चारों का मैंने आपको ईयर बता दिया, फॉर्मेशन ईयर बता दिया, क्या काम कौन करता है बता दिया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं और जो हमको डिस्कस करनी है। सो यू कैन मूव विद मी। GST नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस इज मैंडेटरी। अब अगर आपको GST चाहिए तो देर आर सम चेंजेस। पहला चेंज तो ये किया गया है कि आपके जो भी आप बिजनेस मेंशन करेंगे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ओके। तो एक तरीके से अगेन यहाँ पे देखो इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज़ से ऐड कर सकते हैं कि ये वही चीज़ें जो लाइसेंस राज होता था ना, लाइसेंस राज, पहले लाइसेंस राज में ही होता था कि वो फिजिकल इतना वेरिफिकेशन होता था कि उससे फिर जो अथॉरिटीज़ हैं दे स्टार्टेड हैरासिंग, पैसा लेना शुरू कर दे, भाई आपको GST चाहिए तो पैसा दो। तो ये चीज़ें जो है वो करप्शन को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं और लाइसेंस राज को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, इससे हमने देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ करना है कि आपको सेपरेटली 1% इन कैश जमा करना पड़ेगा। नाउ अ न्यू रूल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स दैट बिजनेसेस विद मंथली टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 लाख, जो 50 लाख से ज़्यादा मंथली बिजनेस करती हैं, दे विल पे एटलीस्ट 1% ऑफ देयर GST लाइबिलिटी इन कैश इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जगह उनको क्या करना पड़ेगा, 1% ऑफ देयर GST लाइबिलिटीज उनको कैश के थ्रू देना पड़ेगा। ई वे बिल्स में भी चेंज किया गया है। पहले जो ई वे बिल्स थे वो क्या थे कि एक दिन में डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर का कवर करने के लिए अलाउड था, नाउ द डिस्टेंस हैज इंक्रीज टू 200 किलोमीटर। तो ई वे बिल के तहत जो आप डिस्टेंस एक दिन में कवर कर सकते हैं, 200 किलोमीटर का कवर कर सकते हैं, तो दैट डिस्टेंस हैज इंक्रीज बेसिकली, डबल कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर। आगे मूव करते हैं अपन एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो फ्री फेयर एंड सेफ इज एज द इलेक्शन मोटो। सिंपल सी बात है, ये बात चल रही है इलेक्शन प्लस पैंडेमिक की, कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, ना केवल इंडिया में बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इलेक्शन किया गया। इनफैक्ट बिहार में इलेक्शन किया गया, आपने देखा, फिर मध्य प्रदेश में भी जो बाकी की सीट्स थी 29 सीट्स थी उनके इलेक्शन किए गए। तो इलेक्शंस हो रहे हैं एंड पीपल आर एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट। कि ये जो चीज़ें क्या दिखाती है, वो चीज़ ये दिखाती है कि इन इंडिया पीपल कैन कॉम्प्रोमाइज देयर लाइफ एज वेल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर डेमोक्रेटिक पावर ऑफ राइट टू वोट। अपने वोट के अधिकार का यूज करने के लिए अपनी लाइफ को भी जियोपार्टाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दिस शोज दैट कि लाइफ विदाउट लिबर्टी इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। तो उनका ये कहना है कि लाइफ विदाउट लिबर्टी इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। अब बेसिकली ये जो मैंने कोट आपको बोला, डायरेक्टली ये ऐसे में भी आ सकता है, तो ऐसे चीज़ों पे आप ऐसे वैसे लिखने की आदत डाल लीजिए। तो अगर आपको लिखना है तो आप अभी इसी पे लिख लीजिए, प्रैक्टिस करके बताइए मुझे कि लाइफ विदाउट लिबर्टी इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। जस्ट ये सिंपल सा एक फिलोसॉफिकल थॉट है, इसके ऊपर आप अगर चाहें तो पूरा ऐसे लिख सकते हो। ऑथर ने अब इसमें बहुत सारी कोट्स दिए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है, यहाँ पे मैंने आपको लिबर्टी वाला बताया, देखो लिबर्टी इज नॉट वर्थ प्रोटेक्टिंग, इक्वली दैट अ लाइफ विद लिबर्टी विल बी प्योर थ्योरी इफ अ वायरस ऑफ द काइंड वी आर ग्रिप्ड बाय हैज प्लेस्ड इट्स लाइफ इन पेरिल। तो मतलब कि अपनी लाइफ को थ्रेट में डालना बिकॉज ऑफ अ वायरस, वो भी समझदारी नहीं है।
आपकी जो लिबर्टी है, आपकी जो इक्वलिटी है, वो आपके राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के बाद ही तो आपको मिल रही है। अगर आप पॉलिटिकल राइट्स का अपना फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कोई भी मनमाना व्यक्ति रूल करने लगेगा, है ना। जब कोई भी व्यक्ति रूल करेगा तो आपकी जो लिबर्टी रहेगी दैट विल बी इन थ्रेट। एक और कोट है, देखो यहाँ पे लिखा है, वन हैज टू बी फ्री इन ऑर्डर टू ब्रीथ एंड वन हैज टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू बी फ्री। तो ये भी कोट है, इस पर भी ऐसे डायरेक्टली ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे आ जाते हैं ज्यादातर। तो वन हैज टू बी फ्री इन ऑर्डर टू ब्रीथ, वन हैज टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू बी फ्री। ये या तो आपका दो तरीके से आ सकता है, या तो ये आपका ऐसे में आ सकता है या फिर आपका GS4 में आइए डायरेक्टली कोट के रूप में आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे मूव करते हैं अपन, देखते हैं क्या ऑथर ने कहा है। अब ऑथर ने कुछ एक दो केसेस का बोला है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो आपका लिबर्टी वाला आर्टिकल है, उसमें उन्होंने कहा कि वी आर कृष्णा अय्यर ने बहुत कहा था कि जो आर्टिकल 21 है दैट इज द प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा प्रोटेक्टिव ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना। तो वी आर कृष्णा अय्यर ने कहा था इट इज एज द प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा ऑफ मैग्ना कार्टा प्रोटेक्टिव ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था इन सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में, इसको लिख लो कि सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूडेड द राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ भी आता है। ये सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में कहा गया था। ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है, ना कि वो गुडविल है कि वो प्रॉपर प्रोसीजर्स मेंटेन करें फॉर इलेक्शन कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड ऑल, वोटिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, COVID-19 के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाए। तो उन्होंने कहा ये ड्यूटी है, इट इज़ नॉट बेसिकली गुडविल, इट इज़ अ ड्यूटी फॉर देम टू डू ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि अब यहाँ पे तीन चार चीज़ें जो ऑथर ने सजेस्ट की, जैसे कि पर्सनल जो है जो उनका ड्यूटी लगता है इलेक्शन के टाइम पे, जैसे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स रहते हैं, आपके पैरामिलिट्री के जो लोग रहते हैं, तो अगर उन लोग की ड्यूटी लगा रहे हैं तो आप उनको राइट टू वैक्सीनेशन, एक्सेस टू वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करो उनको। वो अपनी लाइफ जेओपार्डाइज करके आपके लिए वोटिंग के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उनकी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वैक्सीन में प्रायोरिटी दो। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है एवरी वोटर एंटरिंग अ बूथ हैज़ टू वियर मास्क एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी करना जरूरी है कि मास्क पहने और ये सारी चीजें करें, 2 गज दूरी रखें, है ना। और तीसरी चीज है कि सीनियर वोटर शुड बी एडवाइज्ड एंड इनेबल्ड टू वोट इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द वोटिंग यूजिंग अ सेपरेट क्यू लेन। तो सीनियर वोटर्स के लिए एक सेपरेट क्यू लेन लगा करके आप उनसे वोटिंग करा सकते हैं। देन फ्री एंड फेयर एंड सेफ शुड बी द मोटो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो मोटो रहता था, इस साल आप कोविड के ध्यान में रखते हुए एक अलग से सेफ वर्ड भी डालो, फ्री फेयर एंड सेफ इलेक्शन शुड बी योर मोटो। और जो टेरर जोन में वोटिंग के जो बूथ्स बने हैं, जो इलेक्शन हो रहा है टेरर जोन्स में, तो उनको यू शुड सिक्योर देम अगेंस्ट वायलेंस, किसी भी प्रकार के वायलेंस से आप उनको बचाने की कोशिश करें। तो ये पांच चार पांच चीजें हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर कि अगर आप ये एक्स्ट्रा चीजें करते हैं तो डेफिनेटली योर इलेक्शन प्लस जो लिबर्टी है लोगों की, जो फ्रीडम है लोगों की और जो राइट्स है लोगों की, वो दोनों ही दोनों में रहेगा। द टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीस। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है जो अभी एप्पल का केस हुआ था, एप्पल और विंस्ट्रॉन वाला, कि ताइवानीज कंपनी है विंस्ट्रॉन, जिसको कि आपने डिसेंट्रलाइज करके एप्पल ने अपना यूनिट दिया था, प्रोडक्शन यूनिट दिया था, वहाँ पर फिर वॉयलेंस हुआ, वहाँ पे लेबर्स ने अटैक किया और सारे मोबाइल तोड़ दिए, ठीक है ना। हुआ ये कि उसमें जो एप्पल का रिस्पॉन्स था कि उन्होंने ताइवानीज कंपनीज को कहा कि हम आपको कोई भी फर्दर ऑर्डर नहीं देंगे जब तक आप लेबर कंडीशन नहीं सुधारते हो। सो दिस इज अ गुड स्टेप इन द एथिकल बिजनेस ऑपरेशंस। ऑथर का कहना है दिस इज अ गुड केस फॉर एथिकल बिजनेस ऑपरेशंस एंड जो आपका कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये आप नोट कर लो, कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस ऑपरेशंस के केस स्टडी जब भी आपसे पूछा जाएगा या कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाएगा एथिकल बिजनेस ऑपरेशन का, या ऐसा UPSC पूछ सकता है कि रिसेंटली आप कोई कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी के 2 एग्जाम्पल बताइए, केसेस बताइए, ऐसे पूछते हैं वो क्वेश्चन, है ना। तो आप याद रखिएगा कि ये चीज़ आप उसमें मेंशन करेंगे, तो ये आप इसको लिख लो, है ना। अब ऑथर ने कहा है कि अंटिल रिसेंटली जो होता था कि डिफॉल्ट जो करते थे इस तरीके से ब्रांड्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देते थे या तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स को या फिर साइलेंट मोड पर रहते थे कि ठीक है चलो चुपचाप बात करो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब इसमें जो एप्पल ने किया दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। अब ऑथर ने कहा है कि देखो होता क्या कि एप्पल लाइक जो ब्रांड होते हैं ये 24/7 का काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट टाइम लाइन्स रखते हैं, उनका प्रोडक्शन हिसाब में बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो इसमें क्या होता है, लेबर्स को बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन कंडीशंस में वर्क करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, लॉन्ग टायरिंग शिफ्ट होते हैं,
ब्रेक्स बहुत कम मिलते हैं, एंड ऐसे में जो उनका डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म रहता है वो भी बहुत टाइट रहता है कंपनीज का। तो इसका मतलब है कि जो लेबर्स है वो हर तरीके से उसके सर पे हथौड़े पड़ते रहते हैं, एंड इसी कारण से कई बार हमने देखा है वर्कर्स का सुसाइड भी होता है, कई जगहों पर वर्कर्स का सुसाइड भी देखा गया है। साथ ही अब ये सारी चीजें तो कर ही रहे हैं, इसके बाद अगर अब आप उनको फोर्स करोगे इंटर्नशिप करने, मतलब कि उनको स्टाइपेंड पे नहीं करोगे, उनके रेगुलर वेजेस पे नहीं करोगे, तो वो दैट विल बी अ फर्दर एक्सर्सर्वेशन, जो ऑलरेडी वर्सन कंडीशन उसमें और ज्यादा ऐड हो जाएगा अगर आप इस तरह की चीजें करते हो तो, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग, और चाइना में काफी ज्यादा देखा गया है ये चीजें कि इंडस्ट्री के फेवर में काफी ज्यादा स्क्यूड रहती गवर्नमेंट, क्योंकि वहां से उनको बेनिफिट मिलता रहता है, तो वो इस तरीके से काम करवाते रहते हैं, और कंडीशन वहां बहुत खराब है क्योंकि वहां तो डेमोक्रेटिक वो भी नहीं इतना ज्यादा है ना। एंड ऑथर ने वही कहा है कि बेसिकली आपको बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन करनी है, प्रोडक्शन भी करना है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन जो हो दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ द लेबर्स पीस या इंडस्ट्रियल पीस। तो आपको वो भी मेक श्योर करना है कि लेबर के लाइफ में पीस रहे, लेबर की फैमिली जो रूटीन रहे उसमें पीस रहे, तभी जा करके आपके जो वर्किंग कंडीशन है उसमें पीस आपको देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज द आर्टिकल एंड आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, दोनों एडिटोरियल हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा हमने काफी सारी न्यूज एनालिसिस पार्ट भी डिस्कस की, एंड दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड